अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्लॉग में जो शेयर करने जा रही हूँ वो अक्सर लोग अपने घर में करते हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। आज मैं घर का थोड़ा सा हुलिया ठीक कर रही हूँ, तो सेम जो सेटिंग देख देख के ना मन भर जाता है, तो मैंने कहा आज थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, थोड़े से बेड इधर उधर हिला लेते हैं। और दूसरी बात है, रमज़ान भी आ रहा है तो उसके लिए सफाई भी हो जाएगी। बेड को इधर उधर करने से क्या होता है कि काफ़ी देर से हमने बेड हिलाया नहीं होता और उसके नीचे काफ़ी डस्ट वगैरह जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है। फिर उसके बाद हम मतलब बाजू नहीं पहुंचती या वैक्यूम नहीं पहुंचता, हमें डायरेक्शन का नहीं पता चलता, तो उसको एक हिला झुला के ना तो हमें सफाई का भी मौका मिल जाता है, तो वहाँ से एरिया भी साफ़ हो जाता है, डस्ट वगैरह क्लीन हो जाती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरे रूम में मतलब दूसरे रूम में कबर्ड जो है हमारी अलमीरा, इसको शिफ्ट कर लेती हूँ दूसरे रूम में। तो इस अलमीरा में इसको मैं स्टोर में लगाना चाहती हूँ। तो हस्बैंड घर पे थे तो वो कह रहे थे मैं हेल्प कर देता हूँ, एंड ही इज़ सो स्वीट, वो हमेशा मदद करते हैं। इतने वो ही हिला रहे हैं और बस मेरे को झटके लग रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, मैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ज़ोर लगा रही हूँ। तो अलमारी से इतने भर के कपड़े निकले, वो सारे के सारे मेरे हैं। और वही हमारी लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है ना, जब कहीं जाना है तो क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, लेकिन अलमारी भर के कपड़े हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो इस अलमीरा में सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कपड़े रहते हैं, बाकी बच्चों के, इनके हस्बैंड के, वो मैंने अलग रखे होते हैं, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं, फिर ढूंढने में दिक्कत आती है, कभी जाना हो कहीं पर तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये कह रहे थे तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ, आप रहने दो। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी सी हेल्प तो कराऊंगी आपकी, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत मेहनत के साथ खींच खींच के अलमारी को अंदर कर ही दिया। तो उसके बाद मैं लग गई दोबारा से, जैसे निकाले थे जिस तरीके से, जिस तमीज़ से निकाले थे ना, उसी तमीज़ और उसी स्पीड से मैं वापस रख रही हूँ। यार बहुत बहुत टाइम लग जाता है मुझे ये काम करना, इतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन खैर पता चल जाता है कि हमारे पास क्या मटेरियल है और क्या नहीं है, और क्या हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें पूरे सीज़न में नहीं दिखते, लेकिन जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना तब दिखते हैं। तो ये हमने क्या किया, कॉर्नर इनको डिवाइड कर लिया कि इस साइड की अलमारी मैं सेट करूँगी और जो साइड का जो कॉर्नर है वो आप करेंगे सेट। तो वो मान गए, उन्होंने अपनी अपनी साइड का जो छोटा था वो उन्होंने फटाफट से सेट कर लिया, और फिर वो बैठ के अपने काम पे, दूसरा मतलब फ़ोन शोन पे कुछ करने लगे, क्योंकि आज संडे था। तो ये हमारी शादी की कुछ यादें, जिन ये हमें गिफ्ट दिया था किसी ने, एंड वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच। ये बच्चों ने गिफ्ट दिया था, काफ़ी स्वीट है, वो तीनों भाई बहन, उन्होंने गिफ्ट करा था हमें ये। तो ये भी अलमारी में मैंने रखा होता है, तो आज इनको भी देखने का मौका मिल गया, इनको भी साफ़ सफाई कर ली मैंने इनकी भी। और अब रहता है अलमारी का ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाली जो है अलमारी की जगह वो सेट कर लूँगी। उसके बाद काफ़ी सारा मटेरियल ऐसा निकलता है जो हमारे बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आने वाला होता है, और हम बस जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और वो स्पेस भी लेता है हमारी, और दूसरा ऐसे ही वेस्टेज में पड़ा रहता है। तो उसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके हम उतना, जितना जल्दी हो सके हमें उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो आहद और असद भी बस इसी तरह इधर उधर घूम रहे हैं मेरे पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो उनको भी आज टाइम है कि मम्मा आज लगे हुए हैं डीप क्लीनिंग में, तो मैं हम भी करते हैं मम्मा की हेल्प। तो ये वैक्यूम की जो ये स्टिक है ना, ये भी अलमारी के पीछे गिर गए हुए थे दोनों, ये दोनों जॉइंट करके एक लंबी सी स्टिक बन जाती है। तो ये भी मेरा फ़ायदा हो गया कि ये अलमारी हटाई है तो वहाँ से ये भी निकल आए हैं। यहाँ पे हमारा रूम बिल्कुल सेट हो गया, जिस तरह से मुझे उसकी सेटिंग करनी थी वो हो गई है। बस खास कुछ नहीं, हमारा घर वैसे तो खाली खाली ही है, अभी इतना कुछ हमारे पास सामान है नहीं है, फर्नीचर वगैरह इतना जितना है ज़रूरत के मुताबिक उतना बहुत है।
फटाफट से प्याज काट लूँगी, उसके बाद टमाटर वगैरह। और असद और आहद बस नहा रहे हैं ये दोनों ना। असद उसको क्रीम, आहद जो है वो असद को क्रीम लगा रहा है लेकिन असद नहीं लगवा रहा। तो मैं असद आहद को कह रही थी इसको थोड़ी देर बिज़ी रखो, मैं थोड़ा सा खाना बना लूँ अगर भूख लगी है तो, जो डिमांड की है वो अगर खाना है तो थोड़ी देर असद को संभालो। तो एंड ही सो गुड, वो उसको संभाल लेता है, असद को बिज़ी भी कर लेता है, लेकिन मेरे से डांट भी बहुत पड़ जाती है कभी कभी। तो ये तो बच्चों का होता ही है कि डांट भी पड़ती रहती है साथ साथ में। तो मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया था, मैंने एक साइड पे तड़का रख दिया था और सब्ज़ी बना ली थी, उसके बाद ही सारी पूरियों को बेल लिया था, रोटी बना ली थी, उसके बाद बस मुझे इनको फ्राई करना था और जल्दी जल्दी में फ्राई हो गई। और आज ये पूरियाँ मैंने जो जल्दी जल्दी बनाई है ना, ये इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी बनी थी, इतनी मैं क्या बताऊँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुलचा खा रही हूँ। मतलब भटूरा भी नहीं था और पूरी भी नहीं थी, पूरी होती है ना बिल्कुल पतली सी, उसका टेक्स्चर होता है, लेकिन ये कुलचा जैसा आ रहा था वो टेस्ट, इतना मज़े का बना था। मुझे लगता है मेरे से ना थोड़ी सी जो क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग पाउडर जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी उस वजह से ये, और साथ में मैंने इसको पहले से ही लगा के, आटा पहले ही लगा के रख दिया था, उस वजह से ना ये थोड़ा सा राइज़ हो गया था। अदरवाइज़ हम फटाफट से आटा गूंथते हैं और पूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर आधा घंटा या बस इतना ही टाइम देते हैं। तो इसको कम से कम एक घंटा मैंने छोड़ दिया था, बाकी काम करने लग गई थी मैं, तो इसकी वजह से जो हमारा डो था ना वो राइस हो गया था। तो बड़ा अच्छा बना, बड़ी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट सी पूड़ियाँ बनी थी, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि इतना काम करने के बाद मज़ा आता है जब खाना खाने का हो, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ जो है फ्राई कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे, हस्बैंड का कॉल आया था कि कितना हुआ, काम हो गया कि नहीं, मैंने कहा बस ऑलमोस्ट सारा ही मैंने कर लिया, तो उनको जाना पड़ा अदरवाइज़ वो करा देते। तो ये देखें बर्तनों का ढेर, पहले ये साफ़ करूँगी फिर ये है मेरी प्लेट, दो पूरियाँ, सब्ज़ी और नींबू का अचार और साथ में लाल मिर्च का अचार। बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो खाना खाने का मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ, तब भूख भी बहुत लगी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। है तो मुझे कोल्ड, लेकिन ये बच्चे खा रहे थे तो मैंने भी, अब कितना ही रोक सकता है इंसान खुद को, है ना। तो आहत का बेड सेट हो गया है यहाँ पे, उसने कंबल रख लिया एंड पूरियाँ बहुत सॉफ्ट सी बनी है। आए आप भी मेरे साथ एंजॉय करें आलू पूरी संडे को और विद लेमन पिकल। हस्बैंड का फ्रेंड सर्कल इतना है कि कभी ना कभी किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई फंक्शन होता ही रहता है, तो आज उनको लंच पे बुलाया हुआ था किसी ने, तो वो संडे को भी चले गए लंच पे और हम रह गए घर पे। तो मैंने बहुत सारा काम किया और अब रमदान आने वाला है, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे सफाई शुरू की जाए ना, डीप क्लीनिंग। मैं हर साल इसी तरह करती हूँ, साफ़ सफाई करके फिर आराम से पूरा महीना ना बस इबादत करो अल्लाह की, जितना हो सके आपसे, मतलब जितना आप खुद से कर पाओ वो करती हूँ, और बस इसी तरह टाइम निकलता जाता है और पता ही नहीं चलता। इस मकान में शिफ्ट हुए, इस घर में हमें, अब ये थर्ड रमदान आएगा हमारे इस घर में, तो खैर टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता। कुछ जब मुश्किलें आती हैं तब वक्त बहुत मुश्किल से गुज़रता है ऐसा हमें लगता है, और जब इंसान बिल्कुल टेंशन फ्री या कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ चल रही है स्मूथली, तो फिर ऐसा लगता है टाइम तो गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन मुश्किल वक्त जो है वो बहुत लंबा लगता है। खैर सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन सबके लिए आते हैं। तो अभी बस मेरी ट्यूशन के बच्चे आने वाले, कुछ बच्चे हैं जिनका कल एग्ज़ाम है तो वो आएंगे, उनको मैंने बुलाया हुआ है, तो मैं जल्दी से अपना खाना फिनिश करती हूँ फिर उनको पढ़ाती हूँ। तो ये था हमारा आज का संडे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।